बहुत पहले की बात है, सुकेश नाम का एक राक्षस हुआ करता था जिसके तीन बड़े ही बलशाली पुत्र थे। उनके नाम थे माल्यवान, सुमाली और माली। तीनों भाइयों ने कठोर तपस्या करके परमपिता ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा कि हम भाइयों का प्रेम अटूट बना रहे और हमें कोई पराजित ना कर सके। अपराजित होने का वरदान पाकर यह तीनों भाई निर्भय हो गए थे और अपने राक्षसी आचरण के चलते सुरों और असुरों को सताने लगे थे। तीनों भाइयों ने भगवान विश्वकर्मा को अपने वश में कर लिया था और उन पर इस बात का जोर डाला था कि वह इनके लिए एक सुंदर से नगर का निर्माण करें। तब भगवान विश्वकर्मा ने विवश होकर इन्हें अपनी बनाई हुई लंका नगरी का पता दे दिया था। इस तरह ये तीनों राक्षस भाई अपने परिवार और बंधुओं के साथ लंका में जाकर रहने लगे थे। इन तीनों राक्षस भाइयों में एक भाई माल्यवान के 7 पुत्र उत्पन्न हुए थे, दूसरे भाई सुमाली के 10 पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न हुई थी और सबसे छोटे भाई माली के 4 पुत्र उत्पन्न हुए थे। तीनों भाइयों के इन 21 पुत्रों ने ऋषियों और मुनियों का जीवन दुश्वार कर दिया था। ऋषियों और मुनियों को जब इन दुष्टों से बचने का कोई उपाय नहीं सूझा तो सभी ऋषि और मुनि भगवान विष्णु के शरण में पहुंच गए और उनसे अपने प्राणों की रक्षा की विनती करने लगे। ऋषियों की विनती सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह जल्द ही इन दुष्ट राक्षसों का नाश कर देंगे। जब इन राक्षसों को यह पता चला कि भगवान विष्णु ने उनका नाश करने की बात कही है तो तब वो सभी दुष्ट राक्षस क्रोधित हो गए और एक विशाल राक्षस सेना के साथ देवराज इंद्र पर आक्रमण करने के लिए चल पड़े। राक्षसों के इस आक्रमण की खबर जैसे ही भगवान विष्णु को लगी तो वह उन राक्षसों का संहार करने के लिए आ गए और उन्होंने माली सहित उसकी सारी राक्षस सेना का वध कर दिया। 2-4 राक्षस जो भगवान विष्णु के हाथों से बच गए थे वह भागकर वापस लंका में चले गए। यह देखकर माल्यवान एक बड़ी सेना लेकर भगवान विष्णु से युद्ध करने के लिए आ गया। तब भगवान विष्णु ने माल्यवान के साथ तीनों भाइयों के सभी पुत्रों और सारी राक्षस सेना का संहार कर दिया। राक्षस सुमाली को जब अपने दोनों भाइयों और उनके पुत्रों के साथ अपने भी सभी पुत्रों के मारे जाने की खबर मिली तो वह बहुत घबरा गया था और अपने बचे हुए बंधु बांधुओं के साथ लंका को त्याग दिया था। तब लंका पर भगवान कुबेर का राज्य स्थापित हुआ था। राक्षसों के इस विनाश से राक्षस सुमाली बड़ा ही दुखी हुआ था और उसने अपनी बेटी जिसका नाम कैकसी था उससे यह कहा कि बेटी, मैं चाहता हूँ कि तुम राक्षस वंश के कल्याण के लिए महर्षि विश्रवा के पास जाओ और उनसे पुत्र प्राप्त करो, क्योंकि उन परम पराक्रमी महर्षि से उत्पन्न पुत्र ही राक्षस वंश की रक्षा कर सकता है। अपने पिता की आज्ञा से कैकसी जिस समय महर्षि विश्रवा के पास पहुंची उस समय भयंकर आंधी चल रही थी और आसमान में बिजलियां कड़क रही थी, तो महर्षि विश्रवा ने कैकसी से कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा तो पूर्ण कर दूंगा परंतु यह वातावरण यह बता रहा है कि तुम्हारी संतान बड़ी ही दुष्ट होगी। यह सुनकर कैकसी बोली कि आप जैसे महात्मा से मैं दुराचारी संतान पाने की आशा नहीं करता। महर्षि विश्रवा ने कैकसी से कहा कि तुम्हारा सबसे छोटा पुत्र सदाचारी और महात्मा प्रकृति का होगा। इस प्रकार उस कैकसी से रावण, कुंभकर्ण, सूर्पनखा और विभीषण का जन्म हुआ था और रावण के जन्म से पहले ही यह पता चल गया था कि वह बड़ा ही दुराचारी होगा।